नमस्कार, इंडियनेस देख रहे हैं आप और मैं हूँ साहुल पांडे। भारत कल्चर के फ्यूजन का एक अनोखा रंग यहाँ देखने को मिलता है। परंपराएं और रीति रिवाज का जो भंडार यहाँ है वो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिलेगा। भारत के कल्चर में जन्म से लेकर डेथ तक का एक लाइफ प्रोसेस है और इसको लेकर संस्कार है, इसको एक अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ बच्चे के जन्म से लेकर संस्कार हैं तो साथ में इंसान के मरने तक भी कुछ कर्मकांड हैं, उनके वंशजों को जो पूरा करना होता है। लेकिन बदलते जमाने में और वक्त के साथ जैसे जैसे मार्केटाइजेशन इसके साथ जुड़ता गया, लोगों के बीच इन कर्मकांडों को लेकर एक नेगेटिव बात आने लगी और वो थी कि ये सब कुछ एक बिजनेस है। बिजनेस यह शब्द लोग इस तरह से बोलते हैं जैसे कोई इन कर्मकांडों को करके अपने परिवार के लिए दो पैसा कमा रहा है, या तो वो अपराध कर रहा है या धोखाधड़ी जैसा कोई काम कर रहा है। पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ ब्राह्मणों द्वारा ऐसे ही कर्मकांड किए जाते हैं। सालों की परंपरा का ये कर्मकांड हिस्सा है। ये कर्मकांड इंसान की मौत से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसे इंटेलेक्चुअल लोग बिजनेस ऑफ डेथ कहते हैं। कौन करते हैं बिजनेस ऑफ डेथ? कईयों को आपने एक कहावत कहते हुए सुना होगा कि एक ही ब्राह्मण शादी भी कराता है और श्राद्ध भी कराता है। इस एक वाक्य से सभी ब्राह्मणों को एक कैटेगरी में रख दिया जाता है, लेकिन यह कहावत सही नहीं है, क्योंकि शादी कराने वाला ब्राह्मण और श्राद्ध कराने वाला ब्राह्मण दोनों अलग अलग होते हैं। पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगर आप जाएं, तो हमें पता चलता है कि श्राद्ध कराने की जिम्मेदारी मोहपात्र ब्राह्मण की होती है। ब्राह्मणों का यह वर्ग सबसे निम्न कोटि का माना जाता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन समाज में यह मान्यता बरसों से चली आ रही है। मोहपात्र ब्राह्मण सिर्फ श्राद्ध के अलावा और कोई काम नहीं करते। वे ना तो कोई मामूली सी पूजा करा सकते हैं, ना ही आपके घर में जाकर कथा का वाचन कर सकते हैं। लोगों के मौत के समय ही एक ऐसा समय आता है जब मोहपात्र को कुछ कमाने का मौका मिलता है। मौत के बाद क्या होता है मोहपात्र का काम? हिंदू रीति रिवाजों की बात करें तो मौत के बाद 13 दिनों तक का कर्मकांड होता है। इन 13 दिनों तक जिसके घर में किसी की मौत हुई होती है उसे कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले उस घर के उस व्यक्ति को जिसने अग्नि दी हो उसे मुंडन करवाना होता है। दाह संस्कार के बाद तीसरा मनाया जाता है जिसे उठावना कहते हैं। इसके बाद 10वें दिन मुंडन कराकर शांति कर्म किया जाता है। 12वें दिन पिंडदान आदि कर्म होते हैं और 13वें दिन मृत्यु भोज कराया जाता है। इसके बाद महीने का कर्म होता है, फिर बरसी मनाई जाती है, मृतक को श्राद्ध में शामिल कर उसकी श्राद्ध दिया जाता है और लास्टली जो है 3 साल बाद पिंडदान गया में जाकर किया जाता है। श्राद्ध का जो 12वां या 13वां दिन होता है उस दिन मोहपात्र के मौजूदगी में ही दाह संस्कार होता है, जिसमें चढ़ावे के लिए बहुत सी चीज़ें लाई जाती हैं। ये चढ़ावे सिर्फ एक महिला को छोड़कर इसमें दुनिया की सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, चाहे वो किचन का सामान हो, बेड बिस्तर हो या फिर चढ़ावे के लिए कोई और चीज़ें। चढ़ावे के लिए जो चीज़ें होती हैं वो मोहपात्र ब्राह्मण को दी जाती हैं और इसी का एक हिस्सा नाई या फिर हजाम को दिया जाता है। इस दौरान मोहपात्र के खाना खाने के बाद ही घर के अन्य लोग और आस पड़ोस के लोग खाना खाते हैं और फिर मृत्यु भोज होता है। सिर्फ एक दिन की चांदनी, फिर दुनिया से दुत्कार। ब्राह्मण शब्द सुनते ही हमें लगता है कि यह वह वर्ग है जो समाज का एक बड़ा तबका है, जिसने दलितों को दबाया है, जातिवाद फैलाया है, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव काम भी किए हैं। लेकिन क्या समाज में ब्राह्मण भी छुआछूत या जातिवाद का शिकार होते हैं? इस सवाल का जवाब मोहपात्र ब्राह्मण के अलावा और कोई नहीं दे सकता। मौत के कर्म कांड करके अपने घर लौटने के बाद जब अगली सुबह ये ब्राह्मण समाज में निकलते हैं तो लोग इनसे खुद को दूर करने की कोशिश करते हैं, इनकी छाया से भी दूर रहने की वे बातें करते हैं। मोहपात्र ब्राह्मणों को लेकर कई लोग कहते हैं कि ये लोग दिन भर कहीं ना कहीं से मौत की खबर सुनने का इंतजार करते हैं। बनारस में एक बात कही जाती है कि अगर लोटे को घुमाएं तो एक आत्मा आपके अगल बगल गिरती है। मोहपात्र भी दिन भर अपने लोटे को घुमाता रहता है ताकि कहीं से तो मरने की खबर आए और दिन का एक निवाला मिल जाए। मौत को लोग अपने आप से दूर रखना चाहते हैं और ऐसे में लोग सुबह में या शाम में मोहपात्र ब्राह्मण का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते।
वहीं अगर ये किसी के दरवाजे पर चले जाएं और वहां से लौटने लगें तो लोग पीछे से एक पत्थर रास्ते पर दे मारते हैं ताकि उनके घर में मौत की एंट्री नहीं हो। ऐसे में इन ब्राह्मणों को दुनिया उस व्यक्ति के तरह देखती है जो मौत लेकर आता है, लेकिन असल में ये ब्राह्मण इंसान की आत्मा के सकुशल शरीर त्याग में मदद करते हैं। वहीं जो लोग इसे सो कॉल्ड बिजनेस के रूप में देखते हैं उन्हें इस बारे में डीप नॉलेज नहीं होता। इसे बिजनेस कहने के बजाय एक व्यक्ति के आय के साधन की तरह समझ ले तो हम शायद इसमें कल्चर के उस रूप को समझ सकते हैं जिसमें यह बात निहित है कि एक इंसान जो प्रकृति का हिस्सा है वह मरने पर भी किसी रूप में एक प्रकृति के ही काम आ रहा है। इसे हम प्रकृति या धर्म के अपने सस्टेनेबल फॉर्म के रूप में समझ सकते हैं। ऐसे में हमें इस परंपरा को समझने के लिए सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। ना तो मोहपात्र कोई मौत का दूत है और ना ही ये परंपरा किसी प्रकार का बिजनेस है, ये हमारे लाइवलीहुड का एक हिस्सा भर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मोहपात्र की कहानी आप भी जानते हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करें और हमारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।